हेलो दोस्तों और ऑर्डरिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं होंडा एक्टिवा 125 BS6 वाले मॉडल की। तो मैं आपको ओनरशिप रिव्यू देने जा रहा हूँ। लगभग मैंने इस स्कूटर को 2 मंथ्स तक चलाया है, मतलब कि इस स्कूटर को ही लेने में 2 मंथ्स तो अभी तक हो चुके हैं, और मेरे फैमिली मेम्बर से किसी एक ने स्कूटर को लिया है। तो स्कूटर का अभी तक का मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। वैसे ये जो स्कूटर है ना, वो आपको 3 मॉडल्स में मिलेंगे, मतलब कि स्टैंडर्ड, अलॉय और डीलक्स। स्टैंडर्ड मॉडल का जो ऑन रोड प्राइजेस है ना महाराष्ट्र में, वो लगभग 90,000 के आसपास आपको देखने मिल जाएगा, और इसका जो अलॉय वेरिएंट है वो 94,000 to 95,000 तक के आपको ऑन रोड पे देखने मिल जाएंगे। और ये जो स्कूटर है ना, ये अलॉय वेरिएंट है, और इसका सबसे टॉप वेरिएंट आता है डिलक्स, जो कि 98,000 to 1,00,000 के आसपास आपको ऑन रोड देखने मिल जाता है महाराष्ट्र में ही। लगभग इतना ही प्राइस हो सकता है, बट एक बार आप डीलर के पास जाके कंफर्म करा लेना। प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है हर एक सिटी के हिसाब से। और अभी बात करते हैं ना इस स्कूटर की, तो वैसे मुझे देखने में काफ़ी अच्छी लगी थी ये वाली स्कूटर। और अगर मैं ओवरऑल लुक के बारे में बात करूँ तो ये स्कूटर देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी मुझे। और वैसे भी मेरे फैमिली मेम्बर्स को ही ये स्कूटर लेनी थी, तो उन्होंने मुझे ही पूछा था कि मेरा ये बजट है तो मैं कौन सी स्कूटर लूँ। वैसे पहले ही मेरे दिमाग में एक्टिवा 125 तो थी नहीं, बट अगर मैं प्रैक्टिकलिटी के बारे में सोचूँ तो एक्टिवा 125 ही मुझे बेस्ट लगी, क्योंकि उनको थोड़ा हेवी सामान ले जाना पड़ता है यहाँ से वहाँ पे, और साथ ही उनको थोड़ी कंफर्टेबल स्कूटर चाहिए थी, मतलब कि जिसकी सीट काफ़ी ज़्यादा वाइड हो, ऐसी टाइप की स्कूटर चाहिए थी। तो मेरे दिमाग में तो एक्टिवा 125 से दूसरी स्कूटर आई तो नहीं, और ना ही उनको पावर की ज़्यादा रिकमेंड थी। उनको बस एक रिलायबल स्कूटर चाहिए था जो कि ज़्यादा प्रॉब्लम ना दे और उसका इंजन थोड़ा सा हेवी हो, मतलब कि 125 cc का ही उनको स्कूटर चाहिए था। और थर्ड नंबर, उनको सीट काफ़ी ज़्यादा वाइड चाहिए थी और काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स चाहिए थी। तो मेरे दिमाग में एक्टिवा 125 ही आई थी सबसे पहले। वैसे तो मैंने उनको सुजुकी एसएस भी दिखाया और बाकी के जो स्कूटर थे इनके राइवल्स में उनको भी दिखाया, बट स्टिल उनको होंडा एक्टिवा 125 ही पसंद आई, क्योंकि ये ना थोड़ी सी सिंपल और काफ़ी प्रीमियम भी दिखती है। तो मुझे ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, प्राइस के मामले में इसकी जो प्राइस है वो थोड़ी सी ज़्यादा लगती है मुझे, बट ठीक ही है, अगर उनकी जो रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है तो उनके लिए ये बेस्ट स्कूटर ही मैंने उनको रिकमेंड करी। तो इसमें आपको LED हेडलाइट्स देखने मिल जाते हैं DRL के साथ में, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस फील कराते हैं, मतलब लग्जरी मतलब थोड़ा प्रीमियम सा फील कराते हैं। आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने मिल जाता है, मतलब एक डिजिटल और एनालॉग आपको देखने मिल जाता है इसमें मीटर। आइडलिंग स्टॉप स्टार्ट सिस्टम देखने मिल जाता है, मतलब कि ये अलॉय वेरियंट है तो इसमें आपको फीचर्स नहीं मिलेंगे, बट इसका जो अपर वेरियंट है डिलक्स वेरियंट। स्विचेस की जो क्वालिटी है आपको काफ़ी अच्छी देखने मिल जाती है, मतलब कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि इसके जो स्विचेस है वो थोड़े सस्ते वाले यूज़ करे गए हैं, तो महंगे स्विचेस मुझे लगे, काफ़ी अच्छे स्विचेस यूज़ करे गए हैं। की स्विच के बारे में बात करूँ तो हाँ, की स्विच में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम लगा, मतलब कि जब हम सीट ओपन करते या फिर फ्यूल लीड ओपन करते तो मुझे वो थोड़ा सा स्मूथ नहीं लगा, बट जो भी है काम तो करता है। और आपको यहाँ पे स्मॉल ग्लो बॉक्स भी देखने मिल जाता है, मतलब कि आप छोटे मोटे चीज़ें आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो यही होगा अगर लॉक नहीं दिया रहेगा तो, मतलब कि यहाँ पे आपको लॉक नहीं मिलता, कोई भी इसको ओपन कर सकता है, देना चाहिए था लॉक वगैरह। और अगर इसके हैंगर्स के बारे में बात करें तो आपको 2 साइड में हैंगर्स मिल जाते हैं, एक आपको सीट के नीचे मिल जाएगा और एक जस्ट उसके सामने ही, तो काफ़ी कन्वीनियंट सा हो जाता है। ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों की उनको ज़्यादा ज़रूरत थी, इस वजह से होंडा एक्टिवा उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। और वैसे भी स्कूटर में आपको एक क्रोम एलिमेंट्स देखने मिल जाते हैं, तो क्रोम एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगते हैं स्कूटर में, जो कि उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे। और आपको यहाँ पे एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग आपको देखने मिल जाती है, मतलब कि आपको बार बार सीट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको अंडर सीट स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी मिल जाती है, मतलब कि एक फुल फेस हेलमेट यहाँ पे आराम से आ जाता है, मीडियम साइज़ का या फिर स्मॉल साइज़ का, मे बी लार्ज साइज़ का आप ट्राई करके देख सकते हैं, बट मेरा मीडियम साइज़ का फुल साइज़ हेलमेट है तो बिल्कुल ये आ जाता है इसके अंदर। और बाकी अगर चलाने के बारे में बात करूँ तो बिल्कुल आपको यहाँ पे फैन कूल 4 स्ट्रोक ऐसा इंजन देखने मिल जाता है 124 cc का, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 8.18 bhp का 6500 rpm पे, और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 10.3 Nm का 5000 rpm पे। वैसे मुझे पता तो था ये जो स्कूटर है वो अपने रैवल से थोड़ा कम पावर प्रोड्यूस करती है, बट ठीक ही था उनके लिए, उनको ज़्यादा पावर की नीड भी नहीं थी, उनको तो बस रिलायबल और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ इंजन वाली स्कूटर ही चाहिए थी, जो कि सामने जाके ज़्यादा प्रॉब्लम ना दे और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो, मतलब कि अगर मैं डायरेक्टली बताऊँ तो उनको टोटली टेंशन फ्री स्कूटर चाहिए थी बस। और अगर टायर्स के बारे में बात करें तो हाँ, 90x90 सेक्शन के आपको फ्रंट टायर देखने मिल जाते हैं, और रियल टायर आपको बढ़िया मिल जाते हैं 90x100 सेक्शन का,
100 सेक्शन का टायर है तो काफ़ी ज़्यादा आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है हाई स्पीड पे। एक्चुअली मैंने स्कूटर की टॉप स्पीड टेस्ट करी थी, आप यहाँ पे आई बटन पे मैं लिंक दिया है, आप वो देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया से टॉप स्पीड अचीव कर लेती है। बाकी इसके अदर फीचर्स के बारे में बात करें तो आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर देखने मिल जाता है, मतलब कि आपका स्टैंड लगा हुआ होगा तो इंजन चालू ही नहीं होगा, साइलेंटली स्टार्ट हो जाती है ये स्कूटर, काफ़ी स्वीट सा साउंड आता है स्कूटर को स्टार्ट करने में, काफ़ी बढ़िया लगता है। और बाकी मैंने जैसे बताया सीट काफ़ी ज़्यादा वाइड मिलती है और काफ़ी लंबी सीट मिलती है, तो कंफर्ट के मामले में ये स्कूटर बिल्कुल बढ़िया है दोस्तों, कोई भी टेंशन नहीं होने वाली और सस्पेंशन भी काफ़ी सॉफ्ट है। और अगर मैं राइडिंग के बारे में बात करूँ ना तो चलाने में कैसी है, एक्चुअली दोस्तों चलाने में स्कूटर को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब कि ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ इंजन होने के कारण ये इसको चलाने में काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन सा लगता है, मतलब कि थोड़ा बहुत फीलिंग आती है कि मैं इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहा हूँ, मतलब कि वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा मिनिमम आपको देखने मिल जाते हैं तो अच्छा लगता है। वैसे अगर वाइब्रेशन ना हो तो चलाने का भी मज़ा आता है। वैसे मैं वाइब्रेशन के मामले में 6 महीने बाद और एक बार वीडियो बनाऊंगा कि इसकी वाइब्रेशन स्टिल नए वाली जैसे है भी या फिर वाइब्रेशन बढ़े हुए हैं, बट फिलहाल तो इसकी वाइब्रेशन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, काफ़ी साइलेंट इंजन है और काफ़ी कम वाइब्रेट करती है। और साथ ही अगर सस्पेंशन के बारे में बात करूँ तो सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। अभी मैं यहाँ स्कूटर को काफ़ी ज़्यादा गंदे रास्ते पर लेके जाने वाला हूँ जस्ट सस्पेंशन टेस्ट करने के लिए, सच बोल रहा हूँ, दिल काफ़ी ज़्यादा दुखाता है नए स्कूटर को सस्पेंशन टेस्ट करने के लिए इतने गंदे रास्ते में लेके जाने के लिए, बट ठीक ही है, करना था, सस्पेंशन है। वैसे इसके सस्पेंशन तो मुझे इस रास्ते पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, मतलब कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पता ही नहीं चला इतने बड़े बड़े गड्ढे, बिल्कुल पता चले मुझे, बट सस्पेंशन ने जो काम किया ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। तो ये तो हो गया इसके सस्पेंशन के बारे में। बाकी इसके अगर माइलेज के बारे में बात करें तो उसमें मुझे रियल टाइम माइलेज प्रोवाइड करा है लगभग से 50 किलोमीटर पर लीटर के आसपास, वो भी हाईवे पे, मतलब कि मैं काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ में अगर स्कूटर को चलाता हूँ तो 50 के आसपास मुझे माइलेज प्रोवाइड कर देती है, बट मैं थोड़ा सा भी पिकअप लेने लगूँ तो माइलेज ड्रॉप हो जाता है लगभग से 40-45 किलोमीटर पर लीटर के आसपास। और बाकी काफ़ी ज़्यादा रैश ड्राइविंग करता हूँ, मतलब मैं अभी तक करा नहीं है बट एक बार ट्राई किया था क्योंकि इसमें रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर दिया गया है तो मुझे एक हल्का सा अंदाज़ा आ गया था, तो मुझे लगभग से इसने माइलेज दिया था तब 38 के आसपास, तो मुझे तो ठीक ही लगा 125 के हिसाब से मुझे जो भी माइलेज प्रोवाइड कर रही है। हाँ ऑफकोर्स थोड़ा सा कम तो लगता है, पेट्रोल के प्राइसेस जैसे बढ़े हैं उस तरह से, बट ठीक ही है, स्कूटर ने काफ़ी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी है। और बाकी इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें ना तो इसकी जो परफॉर्मेंस है ना वो SS125 से ना मुझे कम लगी, मतलब कि अगर पिकअप के बारे में बात करूँ तो पिकअप थोड़ा सा इसमें कम लगता है, मतलब कि एकदम झटके से नहीं उठाती, काफ़ी लीनियर सा पिकअप है इसका वाला, थोड़ा सा टाइम लेती है स्पीड पकड़ने में, मतलब कि 60 तक आराम से स्पीड पकड़ लेती है, 60 के बाद में इसका इंजन थोड़ा सा लगता है कि स्ट्रगल कर रहा है, मतलब कि 60 के बाद में उतनी ज़्यादा पावर फील नहीं होती, 60 तक काफ़ी अच्छा खासा पावर प्रोवाइड कर लेती है। पिकअप के मामले में हाँ थोड़ा सा कम है, ये बस याद रख लेना। वैसे मुझे पहले ही पता था इसका पिकअप कम होने वाला है, बट ठीक है, उनको उतनी नीड भी नहीं थी पिकअप की, बट जो भी है। और अगर इसके हाई स्पीड के बारे में बात करूँ तो बिल्कुल हाई स्पीड पे काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, मतलब कि अगर मैं आई बटन में आपको लिंक दिया था हाई स्पीड टेस्ट करा था 80-90 के स्पीड में भी इसने काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी थी। वैसे मैं पिलियन के साथ में बैठा था, मतलब कि मैं डबल सीट बैठा था, उसके बावजूद भी ये स्कूटर काफ़ी ज़्यादा स्टेबल फील हुई मुझे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि अभी मुझे स्पीड कम कर देनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल चली थी। और हाई स्पीड पे इसकी जो साउंड है ना वो काफ़ी ज़्यादा बेटर आती है, मतलब कि वैसे कम ही साउंड आती है इसके एग्जॉस्ट से, बट काफ़ी बेटर सी साउंड आती है, एक प्लेन के जैसे एकदम स्मूथ सा साउंड आता है इसका। बाकी अगर ख़राब रास्तों पे लेके जाए तो ये जो बॉडी है मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर लगी, कहीं पे भी यहाँ वहाँ का नॉइज़ नहीं आता है, अभी तक तो मुझे नॉइज़ नहीं आया ख़राब रास्तों पे जाने के बाद में, बट मे भी पता नहीं कुछ 6 महीने बाद या फिर 1 साल बाद इसकी जो छोटी मोटी नॉइज़ आते रहेंगे अगर कोई नट वगैरह ढीला होगा तब, बट वो तो बात की बात है, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा इसका अगर कोई प्रॉब्लम मुझे दिक्कत दिखाई देती है इसमें। फिलहाल तो काफ़ी बेस्ट स्कूटर लगी मुझे, ऑफकोर्स थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है बट अगर प्रैक्टिकलिटी के बारे में बात करें तो बिल्कुल ये बेस्ट स्कूटर लगी, काफ़ी ज़्यादा एफर्टलेस स्कूटर है, आपको एक काफ़ी रिफाइंड इंजन मिल जाता है, गुड स्पेसिफिकेशन भी आ जाते हैं आपको इसमें देखने के लिए। और बाकी इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, आपको काफ़ी ज़्यादा अलग अलग मोड्स देखने मिल जाते हैं जो कि एक बेटर ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। और सबसे लास्ट में अगर ब्रेकिंग के बारे में बात करूँ तो बिल्कुल, अभी मैं आपको ब्रेक लगा के दिखाता हूँ,
ब्रेकिंग काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है इसकी, ज़्यादा टायर ने स्कीड नहीं मारा, मतलब कि अच्छा खासा आपको यहाँ पे ग्रिप देखने मिल जाता है टायर का, जो कि मैंने एक महीने में जो भी टेस्ट करा है मैं आपको बता दिया। मुझे स्कूटर से ज़्यादा प्रॉब्लम फील ही नहीं हुई, जैसे नॉर्मल स्कूटर है मुझे वैसे ही स्कूटर लगी, एफर्टलेस और नो टेंशन वाली स्कूटर, कहीं पे भी लेके जाओ, बस दलदल में मत लेके जाना, फंस जाएंगी। झटके के मामले में बिल्कुल ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ सस्पेंशन प्रोवाइड करते हैं। अगर आप बाकी स्कूटर से कंपेयर करते तो आपको सॉफ्ट सस्पेंशन लगेंगे, बट अगर आप बाइक से कंपेयर करेंगे तो नहीं होगा। तो वही बताना था मुझे, काफ़ी बेस्ट स्कूटर है। ओनरशिप रिव्यू तो बस यही है, बाकी कोई प्रॉब्लम तो फील नहीं हुई। अगर मुझे फील होंगी तो मैं कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आई है। अगर आपको कमेंट सेक्शन में कुछ भी नहीं दिखता इस बाइक के बारे में तो समझ लेना अभी तक इस बाइक में कोई भी, मतलब स्कूटर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो बस यही था मेरा ओनरशिप रिव्यू, और बस आपको अगर वीडियो अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नेक्स्ट वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग से होने वाले हैं। बाकी आप कमेंट कर सकते हो, अगर आपके पास ये स्कूटर होंगी तो आपको कोई दिक्कत वगैरह आई होंगी तो बिल्कुल आप कमेंट में लिख सकते हो, बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाएंगी जिनको ये स्कूटर लेनी है उनके लिए। तो बस जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बस उसके लिए स्टे ट्यून रहना और हैव अ नाइस डे।